चलो अभी हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस का स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, एसिड की स्ट्रेंथ हमको पता चलती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितना वो घोलने पे दे रहा है। एसिड को अगर हम पानी में डाइल्यूट करते हैं तो कितना वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। वैसे बेस का जो स्ट्रेंथ है वो हमको हाइड्रोक्साइड आयन कितना वो रिलीज कर रहा है उससे पता चलता है। ठीक है, तो हम इसको जो मेजर करते हैं उस मेजर को करने वाली स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। पी फॉर पोटेंस, पोटेंस और एच फॉर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक की रेंज में होती है। मतलब 0 मिनिमम वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू 14 है। जो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है, मतलब ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, वो उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 7 है। 7 से तुम इतना, जितना कम उसका पोटेंस पीएच वैल्यू होता जाएगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। मतलब जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, और 7 से ऊपर 14 तक जो है वो बेसिक होते जाएगा जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है उसकी वैल्यू 14 होगी। 7 के जो करीब होंगे वो वीक एसिड, जैसे अगर मान लो सपोज 6 है किसी की वैल्यू तो वो वीक एसिड है, 8 है तो वो वीक बेस है। हम जैसे इधर इधर जाते जाते हैं तो स्ट्रेंथ इधर पे बेसिक बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, इधर पे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम देखें तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, वो बैटरी में यूज़ होता है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 0 होता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। जो हम कार्बोनिक एसिड जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है उसका पीएच वैल्यू 3 के करीब बोला जाता है, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया स्ट्रेंथ की बात। अब हम किसी भी एसिड या बेस में पहचान कैसे करेंगे? दोनों ही ट्रांसपेरेंट आपको पानी की तरह दिखेंगे, और अगर मुझे पता करना है कि वो एसिड है कि बेस है तो हम उसको टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, तो हम उनका टेस्ट तो करके पता नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस जो किसी भी तरीके से हमें ये बता देता है कि वो जो लिक्विड है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, बहुत टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कुछ एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लिटमस, लिटमस पेपर हम बनाते हैं। लिटमस जो है वो लिचेंस से बनता है, जो एल्गे और फंगे का कॉम्बिनेशन है, हमने पढ़ा होगा। तो ये लिटमस जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये ब्लू और रेड दो कलर्स में आते हैं। तो जो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये सबसे कॉमन इंडिकेटर आपने सुना होगा। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे हल्दी जो है वो है, रेड कैबेज है, चाइना रोज है, इस तरीके से और भी इंडिकेटर्स हैं। अभी हम एक लिस्ट देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इंडिकेटर्स वो कौन से, खुद कौन से कलर के हैं। वो एसिड में कुछ दूसरे कलर के हो जाते हैं और बेस में कोई दूसरे कलर के हो जाते हैं। अभी हम उनकी लिस्ट देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक तुमको ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्ट्री मतलब स्मेल से रिलेटेड। तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर अपनी स्मेल की वजह से बता देते हैं कि वो एसिड है या बेस है। जैसे कि अनियन और वनीला, अनियन जो होता है वो बेसिस में वो अपनी स्मेल लूज कर जाता है, उसकी स्मेल जो है वो लूज हो जाती है बेसिस में, और एसिड में वो अपनी स्मेल को लूज नहीं करता। इस तरीके से हमको पता चल जाता है। देखो, हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम लिखेंगे और वो एसिड में कैसा कलर देता है और बेस में कैसा कलर देता है। देखो, अगर हम रेड लिटमस लेंगे तो एसिड में वो रेड ही रहेगा और बेस में वो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे तो एसिड विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड, और इसमें बेस में वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टर्मरिक देते हैं, हल्दी, हल्दी अगर हम देखेंगे
तो वो एसिड में येलो कलर की हो जाती है, पेल येलो, और बेस में वो रेड कलर की होती है। सॉरी, नहीं, टर्मरिक का खुद का कलर होता है येलो, खुद का कलर उसका येलो कलर की हल्दी होती है, वो एसिड में हो जाती है। एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं होता, थोड़ा सा पेल येलो हो जाता है बस। और बेस में उसका जो कलर होता है वो हो जाता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन, ब्राउनिश टाइप का कलर हो जाता है उसका बेस में। इसके अलावा जो रेड कैबेज है, रेड कैबेज से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो थोड़ा पर्पलिश कलर का होता है खुद, जब वो एसिड में आता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस में जब आता है तो ग्रीन, ग्रीनिश टाइप के कलर का हो जाता है। फिर आपने एक फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर सुना होगा कि ये लैब में बहुत यूज़ हो करते हैं स्कूल में, फिनोफ्थेलिन, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। फिनोफ्थेलिन जो होता है वो खुद तो कलरलेस होता है, उसका कलर नहीं होता है, और वो एसिड में भी कलरलेस ही रहता है, ठीक है, लेकिन बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा लैब्स में जो यूज़ करते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, चूँकि इसका नाम में ही ऑरेंज है तो ये पता चल रहा है हमको कि ऑरेंज कलर का है, और ये एसिड में रेड कलर का हो जाता है, बेस में जो है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अनियन जो है मैंने आपको बताया एसिड में अपनी स्मेल उसकी वही की वही रहती है, बट बेस में अनियन और वनीला जो है उन दोनों की स्मेल जो है बेस में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो ना सिर्फ हमें ये बताएगा कि वो एसिड है या बेस, परंतु हमें ये भी बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, पीएच वैल्यू भी बताएगा। उस इंडिकेटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनता है, और ये बहुत कमाल की चीज़ है क्योंकि ये एसिड और बेस तो बताता ही है, साथ में उसका वो उसकी स्ट्रेंथ पीएच वैल्यू भी बता देता है, ठीक है। तो वो उसमें कलर, कलर स्ट्रिप मिलती है साथ में हमें, तो उसमें जो उसका कलर हो जाता है, जैसे सपोज तुम्हारा वन कलर, असल इंडिकेटर का कलर जो है वो रेड, एकदम डार्क रेड हो रहा है तो वन के करीब है, थोड़ा लाइट होता जाता है 2, 3, 4 में, 5, 6 में येलो, देन 7 में न्यूट्रल। पानी में डालेंगे उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, फिर ये ग्रीनिश, देन ब्लूइश की तरफ जा रहा है, बेस में ब्लूइश की तरफ, है ना, एसिड में रेडिश की तरफ और बेस में ब्लूइश की तरफ आता है। तो इस तरीके से हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप से हम बता सकते हैं कि उसका पीएच वैल्यू क्या है और एसिड है या बेस है ना। मिल्क थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसकी पीएच वैल्यू 6.5 होती है, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से बता सकते हैं कि ये चीज़ न्यूट्रल है कि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, बाय।